हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। जैसा कि आप सब लोग बलिवार्ती रूप से परिचित हैं मेरे अंदाज से कि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोज लेकर आता हूँ रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन डिजीज एंड उसके सिम्टम्स और क्योरेबिलिटी के पॉसिबिलिटीज आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आज इसी चेन को मेंटेन करते हुए लेकर आया हूँ मैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन जोनेशिया अशोका सराका इंडिका। हाँ जी, एक प्योरली इंडियन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जिसके बारे में आपको किसी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत बेनिफिशियल है आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको अगर पसंद आता है तो इसको बिल्कुल शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। स्टार्ट कर लेते हैं, बात करेंगे हम लोग जोनेशिया अशोका सराका इंडिका, इसका कॉमन नेम होता है। आपने अशोक का पौधा देखा ही होगा, ये वही है अशोका, कहते हैं जोनेशिया अशोका। इसकी जो छाल है वो बहुत ही बाग बेनिफिट से भरी हुई होती है, उसी से मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। ये एक पूर्णतः रूप से भारत में उगने वाला कल्टीवेशन होने वाला इंडियन प्लांट है। इसकी ज़्यादातर ऊंचाई नहीं होती है, 7 से 10 मीटर की इसकी लैंसुलेट ग्लैबुलस पत्तियां होती हैं। इसका जो तना होता है ग्रीनिश टू येलोइश होता है। इसकी जो छाल जैसे कि मैंने बताया वो बहुत गुणकारी होती है, उसी के द्वारा पोटेंटाइज पल्वराइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है। स्पेशली लोअर पोटेंसीज ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, 1x 2x और मदर टिंक्चर के बारे में इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर एक तरह का कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता है कीटोस्ट्रॉल, जो कि इसको एक बहुपयोगी औषधीय गुण प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके अंदर सराकीन पाया जाता है, क्विटरॉल पाया जाता है, ये दोनों भी इसकी जो मेडिसिनल पावर है उसको राउज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये हुई इस प्लांट या पौधे के बारे में जानकारी किस तरह संपत्ति मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। अब इसके जो सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको, वो स्पेसिफिक स्पीयर ऑफ एक्शन जो रहेगा इस मेडिसिन का वो रहेगा फीमेल्स ऑर्गन पर, या यूं कह लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। स्पेशली ये काम आती है वहां पर जहां पर एमेनोरिया लाइक कंडीशन हो जाती है ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। आसान भाषा में समझेंगे महावारी या मेंसिस जिसको कहते हैं, उसका रुक जाना किसी भी पैथोलॉजिकल यानी किसी भी अंदरूनी बीमारी के कारण, किसी भी कारणवश से महावारी नहीं आना या उसका रुकना, कम आना, ज्यादा आना, हैवी ब्लीडिंग का होना, इसके अंदर जोनेशिया अशोका जो है आपके मेंसिस फ्लो को या मेंसुरल फ्लो को रेगुलेट करता है, रिदम बनाता है, सीधा इफेक्ट करता है आपके यूट्रस पर या बच्चेदानी पर। ये किसी भी पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट को रोककर आपके मेंसुरल फ्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये काम आता है ल्यूकोरिया इस तरह का वाइट डिस्चार्ज जो कि फीमेल्स पेशेंट में बहुतायत रूप से पाया जाता है, चाहे वो टीनेजर हो या फिर आफ्टर मैरिज फीमेल्स हो या फिर किसी भी एज ग्रुप की फीमेल्स हो, जो बताने से हिचके जाती हूँ। इंडिया में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि मैंने जोनेशिया अशोका से ही क्योर की है। तो इसके मदर टिंक्चर का उपयोग आप कर सकते हैं, 20-20 बूंद दिन में 3 बार आप इसका उपयोग करेंगे तो ल्यूकोरिया और एनी काइंड ऑफ मेंसुरल डिस्टरबेंस से आपको निजात देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ इस मेडिसिन के बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज ऑल्सो अवेलेबल है आपकी क्वेरीज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समक्ष जल्दी हाजिर हूंगा, तब तक मुझे आज्ञा दीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।